नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। छात्रों, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे पराक्रमी शासक थे और इनके शासनकाल के अंदर सातवाहन वंश के साम्राज्य में भारी प्रगति हुई तथा सातवाहन वंश का साम्राज्य का विस्तार हुआ। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही सातवाहन वंश की जानकारी देने वाले स्रोत तथा सातवाहन कौन थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत। तो सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत, सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत, सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत, तो सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत है छात्रों पुराण। पहला स्रोत कौन सा है? पुराण। तो पुराणों के माध्यम से हम सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। मत्स्य पुराण, कौन कौन से पुराण है? मत्स्य पुराण जानकारी कौन देता है छात्रों? मत्स्य पुराण तथा दूसरा देता है वायु पुराण। कौन सा पुराण है? वायु पुराण। ये दोनों पुराण है ये सातवाहन वंश की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं छात्रों। अभिलेखों के माध्यम से भी हम अभिलेख तो अभिलेखों के माध्यम से भी हम सातवाहन वंश की जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं। सातवाहन वंश की जानकारी देने वाले जो प्रमुख अभिलेख है छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं कि नागनिका का नानाधार का अभिलेख, नागनिका का नानाघाट का अभिलेख, नागनिका का नानाघाट का अभिलेख, नानाघाट का अभिलेख। और ये अभिलेख कहां पर स्थित है छात्रों, इसके बारे में देखते हैं। पूना, और पूना कहां आता है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है छात्रों। जो अगला अभिलेख है वो है गौतमी पुत्र बलश्री का नासिक गुहा लेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता है। गौतमी बलश्री का नासिक गुहा लेख, नासिक गुहा लेख, नासिक ग्वाले कहाँ स्थित है? नासिक कहाँ आता है? महाराष्ट्र के अंदर। वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का नासिक ग्वाले वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का नासिक गुहा लेख और ये कहां पर स्थित है छात्रों? नासिक। और नासिक कहां आता है? महाराष्ट्र के अंदर। वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का कार्ले गुहा लेख, वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का कार्ले गुहालेख, ये कहां स्थित है छात्रों? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर
यदि श्री सातकर्णी का नासिक गुहा लेख यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख और ये गुहालेख का स्थित छात्रों नासिक महाराष्ट्र नासिक महाराष्ट्र तो नागनिका का नानाघाट का अभिलेख पूना से में प्राप्त होता है महाराष्ट्र के अंदर। गौतमी बल श्री का नासिक गुहालेख नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का नासिक गुहालेख ये भी नासिक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। वाशिष्ठी पुत्र कुलमावी का कार्य गुहालेख ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख ये नासिक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इन अभिलेखों के माध्यम से भी हम जो सातवाहन वंश की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों जो ये नागनिका है कौन ये नागनिका ये भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है छात्रों नागनिका कौन है छात्रों नागनिका तो भारत की प्रथम महिला शासिका किसे कहा जाता है छात्रों नागनिका को कहा जाता है। पुरावशेषों के माध्यम से भी हम जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुरावशेष भी से भी हम जो सातवाहन वंश की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सातवाहन वंश के समय अनेक मंदिर अनेक मंदिर विहार चैत्य गुफाओं का निर्माण हुआ कार्ले भांजा अजंता नागार्जुनी कोंडा नासिक 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 अमरावती पीतलखोरा छात्रों सातवाहन वंश के समय अनेक मंदिर विहार चैत्य गुफाओं का निर्माण हुआ। छात्रों इनके अंदर जो जैसे कार्ले भाजा अजंता नासिक नागार्जुनी कोंडा अमरावती पीतलखोरा यहाँ पर क्या हुआ कि जो गुहालेखों का गुफाओं का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों जो हम देखते हैं कि सिक्कों द्वारा भी हमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों हमें सातवाहन वंश के सिक्के नासिक के जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के जोगलतुंबी नामक स्थान से सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के जोगलतुंबी नामक स्थान से सातवाहन वंश के समय में
या सातवाहन काल के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। यह सिक्के गोत्री पुत्र साफ करने के हैं। यह सिक्के सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के हैं। विदेशी लेखक साथ विदेशी लेखक के विदेशी लेखक भी सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। छात्रों प्लिनी टोलमी प्लिनी टोलमी के प्लिनी टोलमी के विवरण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। प्लिनी टोलमी सातवाहन वंश की जानकारी देते हैं। प्लिनी टोलमी सातवाहन वंश की जानकारी देते हैं। छात्रों जो सातवाहन वंश की हमें जानकारी हमें पुराणों के माध्यम से, इसके अतिरिक्त पुरा अवशेषों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से तथा इसके साथ ही हमें विदेशी जो लेखक है प्लिनी तथा टोलमी, तो उनके जो विवरण है उनके द्वारा, उनके जो लिखे जो ग्रंथ है तो उनके द्वारा भी हमें सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों हम देखते हैं कि सातवाहन वंश की हमें जानकारी देने वाले जो प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं। तो पुराण है छात्रों मत्स्य पुराण तथा इसके अंदर वायु पुराण। जो मत्स्य पुराण में वायु पुराण के अंदर सातवाहन वंश की जानकारी दी गई है और इसके माध्यम से हमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? मत्स्य पुराण में वायु पुराण के माध्यम से हमें जो सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों के माध्यम से भी हमें जो सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख जो अभिलेख है छात्रों जैसे नागनिका का नाना घाट का अभिलेख, जो नागनिका सातवाहन वंश की शासिका थी और इनका जो अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है? पूना महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पूना जिले के नाना घाट नामक स्थान पर इनका अभिलेख स्थित है और नाना इसके अंदर में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही भारत की प्रथम महिला शासिका, जो भारत की प्रथम महिला शासिका किसे कहा गया है? नागनिका को। भारत में जो प्रथम महिला शासिका थी वो कौन थी? नागनिका। इसके अतिरिक्त जो गौतमी बलश्री का जो नासिक गोवा लेख है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है महाराष्ट्र के नासिक से हमें प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र के नासिक से हमें ये प्राप्त होता है। और गौतमी बलश्री का ये क्या है? नासिक गोवा लेख। गौतमी बलश्री का ये नासिक है गोवा लेख है। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुआलेख, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का गुआलेख ये नासिक के महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है। वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्ले गुआलेख ये हमें जो ये भी महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुआलेख ये हमें महाराष्ट्र के नासिक से हमें प्राप्त हुआ है। तो छात्रों नागनिका के अभिलेख से गौतमी बल, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से, गौतमी बलश्री के नासिक गुआलेख से, यज्ञ श्री सातकर्णी के नासिक गुआलेख से, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के कार्ले गुआलेख से तथा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुआलेख से हमें सातवाहन वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों इसके अतिरिक्त जो सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है पुरावशेषों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पुरावशेषों के माध्यम से। सातवाहन वंश के समय अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, विहारों का निर्माण हुआ, चैत्यों का निर्माण हुआ, गुफाओं का निर्माण हुआ। छात्रों सातवाहन वंश के समय प्रमुख गुफाएं कहाँ बनी? कार्ले की गुफाएं, भाजा की गुफाएं, अजंता, नागार्जुनी कोंडा, नासिक, अमरावती तथा पीतलखोरा। तो छात्रों सातवाहन वंश के जो पुरावशेष हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? कार्ले, भाजा, अजंता, नागार्जुनी कोंडा, नासिक, अमरावती वे पीतलखोरा नामक स्थानों से हमें जो सातवाहन वंश की जानकारी देने वाले प्रमुख जो
पूरा अवशेष प्राप्त होते हैं प्रमुख जो मंदिर चैत्य विहार जो हमें प्राप्त होते हैं। छात्रों इसके साथ ही सातवां वंश की जानकारी देते हैं, उन साथ की जानकारी सिक्कों के माध्यम से जो सिक्के हैं सिक्कों के माध्यम से भी हमें सातवां वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों महाराष्ट्र के जो नासिक जिले के महाराष्ट्र का नासिक जिला है, नासिक जिले की जोगलतुंगी मोस्ट इंपोर्टेंट स्थान छात्रों ये जोगलतुंगी नामक स्थान से सातवां काल के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। जो जोगलतुंगी है वहां पर एक मृद भांड प्राप्त हुआ है, मिट्टी का जो बड़ा जो मटका था वो प्राप्त हुआ जिसके अंदर जो सातवां वंश के सिक्के थे। तो छात्र जोगलतुंगी से जो हमें सातवां वंश के समय के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है और ये सिक्के किस शासक के थे, सातवां वंश के शासक गौतमीपुत्र करने के। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये कि ये लुटाया तो नहीं जा सकता आपके जोगलतुंगी, और अब उसकी आपको 20 शब्द के अंदर व्याख्या करनी है तो उसके अंदर आपको लिखना है छात्रों कि सातवां वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्कों का यहाँ से ढेर हमें प्राप्त हुआ। ये स्थान महाराष्ट्र के पूना के अंदर जो महाराष्ट्र के नासिक के अंदर स्थित है। छात्रों तो ये जो सिक्के महाराष्ट्र के नासिक जिले के जोगलतुंगी नामक स्थान से सातवां वंश के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। ये सिक्के सातवां वंश शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के थे। छात्रों विदेशी लेखक के प्लिनी तथा टॉलमी, उन्होंने प्लिनी तथा टॉलमी ये सातवां वंश की हमें जानकारी देते हैं। तो सातवां वंश की जानकारी कौन देते हैं, प्लिनी तथा टॉलमी नामक विद्वान हमें देते हैं। छात्रों सातवाहनों की उत्पत्ति वे मूल निवास स्थान, हम देखते हैं सातवाहनों की उत्पत्ति किस स्थान से हुई, अर्थात इनका मूल निवास स्थान कौन सा था सातवाहन वंश का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सातवाहनों की उत्पत्ति वे मूल निवास स्थान, सातवाहनों की उत्पत्ति में मूल निवास स्थान छात्रों सातवाहनों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के तर्क दिए गए पुराणों के अनुसार पुराणों के अनुसार सातवाहनों को आंध्र प्रत्यय और आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र प्रत्यय आंध्र जातीय कहा गया है। आंध्र जातीय कहा गया है महाभारत में इस ग्रंथ में आंध्रों को मलेच्छ कहा गया है। आंध्रों को मलेच्छ कहा गया है। मनुस्मृति इसमें सातवाहनों को वर्णशंकर एवं अंत्यज बताया गया है। इसमें सातवाहनों को वर्णशंकर
वह वर्ण संकर में अंत्यत बताया गया है। अंत्यज बताया है एत्रेय ब्राह्मण। इसमें सात वाहनों को अनार्य बताया है। सात वाहनों को अनार्य बताया गया है। सातवाहन वंश के अभिलेख, सातवाहन वंश के अभिलेख, सातवाहन वंश के अभिलेख, सातवाहन शासकों को ब्राह्मण बताते हैं। इसमें सातवाहन शासकों को ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मण बताया गया है हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी सात वाहनों को ब्राह्मण बताते हैं। सात वाहनों को ब्राह्मण बताते हैं। सात वाहनों को ब्राह्मण बताते हैं। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। मूल निवास स्थान, सातवाहनों का मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान, मूल स्थान सातवाहनों की जाति की तरह ही इनके मूल निवास, इनके मूल निवास को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। सात वाहनों की जाति की तरह ही इनके निवास को लेकर भी, इनके निवास को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। छात्रों, आंध्र प्रदेश के निवास स्थान में बताया गया है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौन बताता है उसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश इनके मूल निवास स्थान आंध्र प्रदेश बताता है। कौन बता रहा है छात्रों? ये बता रहा है रेपसन स्मित भंडारकर। रेपसन
रेपसन स्मिथ व भंडारकर, तीन विद्वान है रेपसन विद्वान स्मिथ तथा भंडारकर जी, क्या बताते हैं आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, इनका जो मूल निवास स्थान है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सातवाहन वंश के अधिक राजाओं के अधिकांश सिक्के में अभिलेख सातवाहन वंश के अधिकांश सिक्के वह अभिलेख अधिकांश सिक्के वह अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, अतः इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र ही होगा, रहा होगा। अतः इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र ही होगा। तो छात्रों, सातवाहन वंश से, सातवाहन वंश की हम जानकारी प्राप्त करते हैं छात्रों कि पुराणों के अनुसार जो सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया, पुराणों के अनुसार क्या कहा गया छात्रों, आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया, किसके अनुसार कहा गया है पुराणों के अनुसार। तो छात्रों पुराण क्या बताते हैं, ये आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय अर्थात आंध्र प्रदेश के निवासी, जो आंध्र प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण प्राप्त होता है यहाँ से कि ये उनकी जाति भी ये बताई गई है आंध्र भृत्य वे आंध्र जातीय, ये पुराण बताते हैं छात्रों। महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत के अंदर आंध्रों को मलेच्छ कहा गया, आंध्रों को क्या कहा गया है मलेच्छ कहा गया है। इसी प्रकार से जो मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है सातवाहनों को वर्ण संकर या अंत्यज बताता है, क्या बताता है वर्ण संकर या अंत्यज बताता है, कौन बताता है मनुस्मृति। छात्रों पुराण के अंदर इन्हें आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है, महाभारत के अंदर इन्हें जो मलेच्छ कहा गया है तथा मनुस्मृति के अंदर इन्हें वर्ण संकर अंत्यज कहा गया, क्या कहा गया वर्ण संकर या अंत्यज कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में इनको क्या बताया गया अनार्य बताया गया, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसके अंदर जो इन्हें अनार्य बताया गया है। साथ ही सातवाहन वंश के अभिलेख है, सातवाहन वंश के अभिलेखों में इन्हें ब्राह्मण बताया गया है। छात्रों पुराण इन्हें आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य बताता है, महाभारत इन्हें मलेच्छ बताता है, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण इन्हें अनार्य बताता है, मनुस्मृति इन्हें वर्ण संकर तथा अंत्यज बताता है, जबकि जो ये स्वयं के इनके शिलालेख हैं जो सातवाहन वंश के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए उनके अभिलेखों के अंदर इन्हें जो ब्राह्मण बताया गया, अर्थात सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं। छात्रों हेमचंद्र राय चौधरी, जो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी है विद्वान है, कौन है हेमचंद्र राय चौधरी, तो इन्होंने सातवाहनों को क्या बताया ब्राह्मण बताया, तो हेमचंद्र राय चौधरी सातवाहनों को क्या बताते हैं ब्राह्मण बताते हैं। छात्रों नासिक जो अभिलेख है, नासिक अभिलेख के अंतर्गत जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख के अंदर जो गोपीपुत्र सातकर्णी को आदित्य ब्राह्मण कहा गया है, गोपीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया है आदित्य ब्राह्मण कहा गया है, तो ये आदित्य ब्राह्मण किसमें बताया गया छात्रों नासिक अभिलेख के अंदर गोपीपुत्र सातकर्णी को अभिलेख किए आदित्य ब्राह्मण बताया गया। तो छात्रों इससे स्पष्ट होता है कि जो स्वयं सातवाहन वंश के शासक सातवाहन वंश के शासकों ने जो अभिलेखों का निर्माण करवाया उनमें इन्हें इन्हें ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त छात्रों इनका जो मूल निवास स्थान, जिस प्रकार से इनकी जाति को लेकर जो विद्वानों में मतभेद है तथा विभिन्न ग्रंथों में अभिलेखों के माध्यम से हमें इनके अलग अलग जातियों का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से इनके मूल निवास स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। छात्रों आंध्र प्रदेश, इनके मूल निवास स्थान के बारे में आंध्र प्रदेश, इनका मूल निवास स्थान क्या बताया आंध्र प्रदेश को, ये कौन बता रहा है रेपसन नामक विद्वान, रेपसन स्मिथ और भंडारकर, रेपसन स्मिथ तथा भंडारकर ये तीन विद्वान है ये
जो क्या बताते हैं, सातवाहन वंश का मूल निवास स्थान आंध्र प्रदेश को बताते हैं, जबकि महाराष्ट्र को भी इनका मूल निवास स्थान माना गया। क्यों माना गया? क्यों? क्योंकि सातवाहन वंश के अधिकांश सिक्के वे अभिलेख महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र माना गया। तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान कहां से प्राप्त होते हैं? महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान अर्थात पेठन का क्षेत्र है, उससे प्रतिष्ठान अर्थात पेठन से हमें सर्वाधिक जो सिक्के तथा अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनका मूल निवास स्थान है। मूल निवास स्थान किसे माना गया है? ये महाराष्ट्र को माना गया है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो सातवाहन वंश के शासक है, सातवाहन वंश के शासकों की जाति के बारे में अर्थात इनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है, उसी प्रकार से जो इनकी जो मूल निवास स्थान के बारे में मतभेद रहा है, परंतु इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण वंशीय शासक थे ये, और मूल निवास स्थान का क्या था? महाराष्ट्र था।